India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's South Polar region. धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में PSLV रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद या चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट के वजह से चंद्रयान 2 काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा। अब तक चंद्रयान 2 चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेलोड OHRC यानी कि ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा विश्व का सबसे बेहतरीन कैमरा है, जो कि चंद्रमा की सतह का लगातार पिक्चर भेज रहा है। अब मैं आरुषि जी से निवेदन करूंगा कि वो आप लोगों को इसरो के वर्तमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं। अभी आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लूनर मिशंस का विवरण। अब चलते हैं टुवर्ड्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2, which has been designed to accomplish our mission goals. The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface. This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions. In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface. Carried on the shoulders of India's heaviest rocket, LVM-3, on the 14th of July, Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 36,500 kilometers. ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 earthbound maneuvers. The fifth apogee-raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 127,000 kilometers. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the Moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon. An orbit of 288 by 369,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, translunar injection किसी भी interplanetary mission के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन operation होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद
चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री स्कैटर्ड ओवर द मून सर्फेस मेक इट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड टू अचीव दिस द न्यू एंड इम्प्रूव चंद्रयान 3 डिजाइन 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4×2.4 किलोमीटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। अपार्ट फ्रॉम द सेंसर्स चंद्रयान 3 इज इक्विप्ड विद अ स्वीट ऑफ सोफिस्टिकेटेड पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in-situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 358 meters per second.
the altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के दो इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। डियर व्यूअर्स, द पिवोटल पावर डिसेंट हैज बिगन एंड द लैंडर मॉड्यूल इज प्रोपेलिंग टुवर्ड्स द मून सरफेस अलोंग द इंटेंडेड ट्रैजेक्टरी। जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। ड्यूरिंग दिस रफ ब्रेकिंग फेज द लैंडर वेलोसिटी शैल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 1680 मीटर्स पर सेकेंड टू 358 मीटर्स पर सेकेंड। द ऑल्टीट्यूड विल बी ब्रॉट डाउन फ्रॉम 30 किलोमीटर्स to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the laser inertial reference and accelerometer package LIRAP is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The
complete down range that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase, we can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन एज द ALS हैज टेकन चार्ज। The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले, द लैंडर इमेजर इज कंटिन्यूअसली गिविंग is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है।
The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। द आल्टीट्यूड ऑफ लैंडर फ्रॉम ग्राउंड इज करेंटली 12 किलोमीटर, इज करेंटली 22 किलोमीटर, विच इज अगेन गोइंग टू बी कमिंग डाउन एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। For the viewers who have joined now, we are in the powered descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the powered descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस rough braking phase के दौरान 800 न्यूटन के चारों throttle इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। You can also see the image that the lander imager camera has अपने 75 से 80 अंजाम दे रहे हैं पूरा कर चुका और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged
to have with us Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेस के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषी जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। वी कैन सी द विजुअल ऑफ द लैंडर मॉड्यूल एंड वी कैन सी दैट द डाउन रेंज ट्रैवल्ड इज नियरली 831 किलोमीटर्स। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट, विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेस के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। लॉट ऑफ अप्लॉज indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। वी आर अबाउट द लैंडिंग साइट, द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज द वर्टिकल वेलोसिटी is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site.
जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। पीपल आर अप्लॉडिंग। लेट अस ऑल वेट टू हियर फ्रॉम द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन इसरो श्री एस सोमनाथ। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। द हार्ड वर्क ऑफ द एंटायर इसरो कम्युनिटी हैज कम टू फ्रूएशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सर, आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण
मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, ऑन दिस जॉयस ओकेजन आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, the people of every country and region, India's successful moon mission is not just India's alone,
दिस इज ए ईयर इन विच द वर्ल्ड इज विटनेसिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी अवर अप्रोच ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज रिसोनेटिंग अक्रॉस द ग्लोब दिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दैट वी प्रेजेंट एंड दैट वी रिप्रेजेंट हैज बीन वेलकम यूनिवर्सली अवर मून मिशन is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. And it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट साथियों साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा यह दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद